हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश और पार्लियामेंट का एक और लेक्चर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मैंने। और हम देखेंगे इस लेक्चर में कि कौन कौन से जो पार्लियामेंट के डिवाइसेस होते हैं, जब जी जो टाइम टेबल मैंने आपको दिखाया था उस टाइम टेबल में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन प्रोसीडिंग्स में कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं जिनका पार्लियामेंट यूज़ करती है। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन आवर होता है, ज़ीरो आवर होता है एंड मोशंस। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होगी। क्वेश्चन आवर भी जो होते हैं वो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, और ज़ीरो आवर होता है वो मोशंस होते हैं। तो बहुत सारे मोशंस होते हैं, सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट, ये सारे मोशंस देख रहे हैं आप, कितने सारे मोशंस हैं। तो ये सब डिवाइसेस है पार्लियामेंट के, इन्हीं का यूज़ करके पार्लियामेंट चलती है। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन आवर और जीरो आवर के बारे में देखेंगे, मोशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आवर क्या है। उससे भी पहले हम देखते हैं एक ओवरव्यू, फिर से दिखा देता हूँ आपको टाइम टेबल का हमारा। देखिए क्वेश्चन आवर जो है ये थ्री टाइप्स के होते हैं, ये तो आपको पता है। और ये ज़ीरो आवर हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। देखिए ये होता है टाइम टेबल, 11 AM से 12 PM तक जब पार्लियामेंट खुलती है, तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक क्वेश्चन आवर रहता है। इन्हीं इसी क्वेश्चन आवर में हम ये क्वेश्चन, ये इतने थ्री टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं अभी हम। और फिर देखिए, फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ज़ीरो आवर होता है, यही वाला ज़ीरो आवर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। हम ये दोनों चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ज़ीरो आवर और क्वेश्चन आवर। और ये उसके बाद तो लंच हो जाता है 1 बजे के बाद, 1 से 2। फिर ये देखिए 2 से, जैसा कि आपको पता है कि 2 बजे से 6 बजे तक लोकसभा चलती है और लंच के बाद, और 2 बजे से 5 बजे तक राज्यसभा चलती है। तो हम देखते हैं 11 AM से जो 11 AM से 12 PM तक जो चलता था क्वेश्चन आवर, उसके बारे में हम देखेंगे। ये 11 AM से 12 PM तक चलता है, ठीक है, नून तक। तो देखते हैं क्वेश्चन आवर क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन आवर होता क्या है। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर क्वेश्चन आवर, मतलब पहला जो आवर घंटा होता है पार्लियामेंट की, हर सिटिंग का जो पहला आवर होता है वो क्वेश्चन आवर के लिए होता है। यहाँ पे एक बात और बता दूँ, पहले तो ये क्वेश्चन आवर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए सेम था, पर अभी 2014 में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो रहे फर्स्ट आवर रहेगा लोकसभा में वो क्वेश्चन आवर रहेगा, और जो राज्यसभा रहेगी राज्यसभा में जो सेकेंड आवर रहेगा 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ये 12 से 1 तक राज्यसभा में रहेगा क्वेश्चन आवर। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन आवर होता क्या है, मेंबर आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड प्राइवेट मेंबर आल्सो, मतलब कहने का मतलब ये कि मिनिस्टर्स जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो प्राइवेट मेंबर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहती है ना, जो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ये भी रहते हैं, मिनिस्टर्स भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, बट ये लोग मिनिस्टर कब बन जाते हैं, जबकि जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, मतलब एमपी होते हुए अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बन जाते हैं तो उनको मिनिस्टर कहते हैं, और जो एमपीज होते हैं जो मतलब मिनिस्टर नहीं बने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं बन पाए हैं, उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको प्राइवेट मेंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन आवर में हम क्वेश्चन आवर में जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो या तो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर प्राइवेट मेंबर, मतलब जो दूसरे कोई पार्लियामेंट के मेंबर हो उनसे पूछ सकते हैं। तीन कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। आप देखो मैंने इनको अलग अलग कलर पर रखा हुआ है, देखिए ये ग्रीन कलर पर रखा हुआ है, ये वाइट कलर पर रखा हुआ है और ये पिंक कलर पर रखा हुआ है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि स्टार्ट क्वेश्चंस हमारे ग्रीन कलर में ही होते हैं, ग्रीन कलर के पेपर में ही होते हैं, ये वाइट कलर के पेपर में ही होते हैं, और ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वो पिंक कलर के पेपर में ही होते हैं, इसलिए इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आवर क्या क्या बोल रहा है, स्टार्ट क्वेश्चन आवर देखते हैं हम। ठीक है, अभी क्वेश्चन आवर के बारे में पूरा समझ लिया, अब हम पहला हम देखने वाले हैं स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है। स्टार्ट क्वेश्चन में देखिए पहली चीज़ इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे एक एस्ट्रिक लगाया जाता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि सबको पता चल जाए कि स्टार्ट क्वेश्चन है। ओरल आंसर बाय मिनिस्टर, इसका आंसर ओरली मिनिस्टर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, रिटर्न में कोई आंसर नहीं चाहिए, ओरल, तुरंत क्वेश्चन पूछो, तुरंत आंसर दो। ठीक है, और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मतलब अगर उस मतलब किसी मेंबर ने कोई मिनिस्टर से क्वेश्चन किया, मिनिस्टर ने उसका आंसर दिया, तो वो फिर से एक और क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है,
ऐसा रहता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है। ये ग्रीन इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये ग्रीन पेपर में ही होता है, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आप 20 क्वेश्चंस पूछ सकते हो स्टार्ट क्वेश्चन के से रिलेटेड, ठीक है। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे वो ग्रीन कलर के पेपर में ही होगा, ठीक है, रिटन इन द ग्रीन ग्रीन पेपर। सेकंड देखते हैं हम अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है, इसमें पहली चीज़ तो एस्ट्रक नहीं होता, ठीक है। रिटन आंसर्स बाय मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर से तो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो रिटन में आंसर देगा, ओरली आंसर नहीं देगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के नॉट बी आज, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के नहीं पूछा जा सकता क्योंकि लिखित में आंसर दे रहा, तो क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है, आप जैसे ओरली में पूछते थे आप, ठीक है। तो और वाइट पेपर में होता है ये, ठीक है। आप 230 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी भी मिनिस्टर से पूछ नहीं सकते, मैक्सिमम 230 क्वेश्चन है, कम भी पूछ सकते पर 230 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते, और जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो वाइट पेपर में लिख के देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये होता है हमारा अनस्टार्ड क्वेश्चन। और अब हम देखते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, ये पहली चीज़ तो कि इसमें इसमें लेस देन 10 डेज का नोटिस पहले देना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेस देन 10 डेज का नोटिस दोगे, नोटिस देने के बाद अगर उसने अप्रूव तो वो हो ही जाता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है तो अप्रूव तो हो ही जाता है, उसके बाद मतलब 10 डेज के नोटिस के बाद ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। फॉर अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, मतलब जो कोई अर्जेंट पब्लिक की बात हो रही है, कोई अर्जेंट कोई ऐसा मैटर है जिसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, तब ये चीज़ों को लेके आया जाता है, तब ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें भी ओरल आंसर होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा याद रखिएगा आप ये शॉर्ट नोटिस। अब देखिए जैसे यहाँ बता रहे हैं कि लेस देन 10 डेज नोटिस, यहाँ 10 डेज नोटिस मतलब, और अदर में देखेंगे यहाँ तो 10 डेज का नोटिस लगता है, अदर में ऐसा होता है कि 15 to 21 डेज का कम से कम नोटिस देना होता है, ठीक है। इसलिए ये कम टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है यहाँ पर 10 डेज का, इसलिए इसको शॉर्ट नोटिस भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन ओवर, एक और क्वेश्चन था क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर, ठीक है। प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन मतलब क्या कि जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर नहीं है उन लोगों से सवाल करना, ठीक है। तो यही बोल रहा है आज टू द प्राइवेट मेंबर दैट इज एमपी हु इज़ नॉट मिनिस्टर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बोल रहा है इफ़ मैटर इज़ रिलेटेड टू बिल, मतलब कहने का मतलब ये कि देखिए आप प्राइवेट मेंबर से बात कर रहे हैं, मतलब वो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि एमपी जो मिनिस्टर नहीं है उनसे क्वेश्चन करने को हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन करना, ठीक है। और प्राइवेट मेंबर से हम क्वेश्चन कब करेंगे, जब किसी बिल पे बात हो या रिजोल्यूशन पे बात हो या कोई भी ऐसा मैटर हो जो हाउस का जो बिजनेस होता है उससे कनेक्टेड हो, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी हो, पार्लियामेंट्री कमेटी में पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, मिनिस्टर थोड़ी होंगे, इसलिए तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किस टाइप से आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो यही होते हैं प्राइवेट मेंबर, और इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ पे प्राइवेट मेंबर से सवाल किया जा सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट को लेके, पार्लियामेंट में अगर आप अच्छे से बिजनेस को कंडक्ट होने नहीं दे पा रहे हो या कुछ ऐसी बातें हो रही हैं आपकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी एक इंडिविजुअल मेंबर की वजह से प्रॉब्लम चल रही है या पार्लियामेंट्री की किसी कमेटी के किसी मेंबर ने कुछ किया है या उसके चेयरमैन ने पार्लियामेंट की कोई कमेटी को, तो तब आपसे ये प्राइवेट मेंबर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो यही था हमारा क्वेश्चन आवर, पूरा का पूरा क्वेश्चन आवर हमने देख चुका है। अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं यहाँ पे, जीरो आवर, बहुत छोटा सा है जीरो आवर। जीरो आवर भी दिखाई देता हूँ आपको मैं क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 11 बजे से 12 बजे तक हमारा चलता था क्वेश्चन आवर लोकसभा में, ठीक है। पहले भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में चलता था, पर 2014 में संशोधन करके 11 से 12 तक लोकसभा के लिए किया गया है, ठीक है। 11 बजे से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर, और क्वेश्चन आवर का ख़त्म होते ही 12 बजे से लेके 1 बजे तक चलता है हमारा जीरो आवर। बाकी ये हालांकि यहाँ पे नॉर्मल टाइम 12 बजे से 1 बजे का है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। पहली चीज़ तो पहला जो पॉइंट हमको कह रहा है कि ये किसी भी रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं किया गया, ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है, ठीक है। कहीं लिखा नहीं गया है कि जीरो आवर होना चाहिए, ये इनफॉर्मल डिवाइस है, ठीक है। ऐसा चले 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 आ रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो वो तब से चले ही आ रहा है, सिंस 1962 में से ये एग्जिस्टेंस में है। इंडियन का इनोवेशन है ये, कहीं से लिया नहीं गया है, ठीक है। इंडियन इनोवेशन है, ठीक है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, अर्जेंट पब्लिक मैटर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है।
प्लस यूज टू रेस मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस, मतलब बिना किसी नोटिस के, जैसे मैंने अभी मैं हमने आप देखा शॉर्ट नोटिस तक का देखा था हमने कि शॉर्ट नोटिस में कम से कम 10 डेज तक का नोटिस तो देना ही पड़ता था। यहाँ ऐसा है कि आपको कोई नोटिस नहीं देना है, आपको तुरंत 0 ओवर में आप तुरंत जो आपके मन में आ रहा है सवाल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेन मेन ओवर तो यही होता है 0 ओवर, ठीक है। जब यहाँ पे जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। इट स्टार्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है, लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे। मतलब मान लो कि हमको किसी मुद्दे पे बात करना है, कोई एजेंडा है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन आवर और 0 आवर के बाद ही आएगा वो एजेंडे का टाइम। तो जब तक एजेंडा का टाइम नहीं चलता, मतलब कह लो कहने का मतलब, हम बैक बैक में आते हैं और देखते हैं हमारा पार्लियामेंट का टाइम कि ये 0 आवर, देखिए 12 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर नॉर्मली लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे लंच भी हो गया, लंच होने के बाद क्या होता है कि जो हमारा एजेंडा है उस एजेंडे में 2 बजे से 6 बजे तक की 6 बजे तक के बीच में बात चलती है लोकसभा में, या फिर 5 बजे तक, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलती है राज्यसभा में। तो अगर मान लो कि कोई एजेंडा है जिसके ऊपर हमको बात करना है इस टाइम ड्यूरेशन पर, ठीक है, और वो एजेंडा अभी उठाया नहीं गया है, तो तब भी मतलब मान लो कि 2 बजे 3 बजे उस एजेंडा को उठाए, तो 3 बजे अगर उस एजेंडा को उठाते हैं तो ये समझ लो कि ये 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 12 बजे से लेके 3 बजे तक माना जाएगा 0 आवर। तो समझ रहे ना आप, 0 आवर नॉर्मली तो 1 घंटे का होता है, पर टाइम गैप जो अगर मान लो कि एजेंडा नहीं उठाए तो वो 0 आवर चलता रहता है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे हम। देखिए ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखिएगा। स्टार्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे, दैट इज रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस इज टेकन अप। तो यही था हमारा क्वेश्चन आवर और 0 आवर पूरा देख लिया हमने, क्वेश्चन आवर 0 आवर क्या क्या होता है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशंस देखेंगे कि मोशंस क्या होते हैं, उन मोशंस पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।